ओके सर स्टूडेंट्स, अब हमने एंडोडर्मल जर्म लेयर की डेरिवेटिव्स जो हैं वो इस वीडियो में देखने हैं और एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग का टॉपिक देखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। हमारे पास जो है वो तीन जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इनके ऊपर दो कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, एम्नियोटिक कैविटी एंड बॉक्स है। ये सारा वो नॉलेज है जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ओके, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक अलग वीडियो में जो बहुत ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। एक्टोडर्म मोस्टली उन चीज़ों के साथ डील करता है जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा हमारी आईज, ईयर्स, नोज स्मेल करने के लिए, एंड देन कुछ ग्लैंड्स थे, सेबिशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया था मीजोडर्म। बच्चों, मीजोडर्म जो है वो एक्सियल स्केलेटन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नोटोकॉर्ड बनाने में जो बाद में न्यूक्लियस पल्पोसस बन जाता है, ठीक है, रिब्स, मसल्स। इसके फर्दर मीजोडर्म की हमने डिवीजंस देखी थी, तीन डिवीजंस थी, ठीक है, पैरेक्सियल मीजोडर्म, ठीक है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म एंड इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और तीनों की अपने अपने डेरिवेटिव्स थे। इंटरमीडिएट मीजोडर्म के डेरिवेटिव स्पेसिफिकली बहुत जगहों पर पूछ लिए जाते हैं, वो आपने याद रखने। इंटरमीडिएट मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या आता है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ आ जाता है, आता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अंदर। अब हमारे पास आ गया जी एंडोडर्म। एंडोडर्म में वो सारी चीज़ें बनानी हैं जो इन दोनों ने नहीं बनाई, ठीक है, नोटोकॉर्ड बन गया, न्यूरल ट्यूब बन गई, उसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स बन गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन गया, ठीक है, मसल्स बन गए, हमारी स्किन बन, डर्मिस बन गया, एक्सियल स्केलेटन बन गया, और क्या चीज़ें रह गई बॉडी में, वो जितनी चीज़ें रह गई हैं बच्चों, अब वो एंडोडर्म ने बनानी है। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में कुछ और सिस्टम भी तो है ना, सिर्फ यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं है, तो बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं, वो कौन बनाएगा, एंडोडर्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर ये दोनों सेंटर्स काम ना कर रहे हों तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स में अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो पहले लिख लेते हैं थोड़े से, फिर मैं आपको एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगी। सो सबसे पहले हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बनती है ना बच्चों, जब ये बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो ट्यूब बनती है, ये गट बनती है, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव गट, ठीक है, प्रिमिटिव गट बनती है। फिर वो प्रिमिटिव गट जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, और इसमें फिर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के वो डेवलप होते हैं। किस तरह से होते हैं इसके ऊपर अलग से सेकेंड ईयर की एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या अगर मोर प्रिसाइजली हम बोल दें प्रिमिटिव गट, ठीक है, प्रिमिटिव गट जो है वो कहाँ से डिराइव होती है, एंडोडर्म से डिराइव होती है। उसके अलावा मैंने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम है, दैट इज रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है वो कहाँ से डेवलप होता है, असल में इनकी एपिथेलियल लाइनिंग्स हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं एंडोडर्म से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक, वैसे तो डायग्राम मेरी गंदी सी है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपको पता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नोटोकॉर्ड या आईज, नोज, ईयर्स, वो सारी चीज़ें तो बन चुकी हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एंडोडर्म से क्या बनेगा, एक बनेगा जी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बाद में बनेगा, ये प्रिमिटिव गट बन गई है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा साथ ही हमें क्या भी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहाँ से बन रहा है हमारे पास, वो भी बन रहा है एंडोडर्म से। अच्छा, ये दोनों सिस्टम बन गए। अब यहाँ पे जो यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनस तक जाने के लिए जो दो चीज़ें यहाँ पे, दो सिस्टम और मौजूद हैं, वो तो मीजोडर्म ने बना ली, लेकिन उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है स्टिल वो किसने बनानी है, एंडोडर्म ने, ठीक है। सो तीसरी चीज़ यहाँ से बस आपने डायग्राम को जहन में रखना है कि दो हमारे पास सिस्टम है और तीसरा जो रिप्रोडक्टिव और जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी भी एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो एंडोडर्म ने ही बनानी है। सो हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव प्लस यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ब्लडर की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो भी इसी ने बनानी है, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास गले में भी तो कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, गला हमारा खाली तो नहीं होता, तो गले में हमारे पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बच्चों, गले में हमारे पास होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे चार छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा गले के अंदर क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉन्सल्स। सो जो थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड और टॉन्सल्स हैं, इनका जो स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा है वो भी कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाता है। ओके, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्टमक होगा, स्टमक की साइड पे बनेगा क्या, लिवर, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड पे क्या बनेगा, पेनक्रियास, ठीक है। सो हमारे पास एक तो टी से तीन चीज़ें बन गई, थायराइड, ठीक है, टॉन्सल्स, ठीक है, थाइमस, और थायराइड ग्लैंड के पीछे ही होते हैं चार छोटे छोटे ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये चीज़ें बन गई। और हमने क्या देख लिया, लिवर प्लस पेनक्रियास, लिवर प्लस
पैनक्रियास, ठीक है। और एक सुनने के लिए ट्यूब चाहिए होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब, वो भी जो है एंडोडर्म से बनती है। तो इस तरह ये एंडोडर्म के कुछ डेरिवेटिव्स हैं बच्चों, उनको आप रटा भी लगा सकते हैं। कोई निमोनिक्स बनाना चाहें वो भी आपको नेट पे डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन बस आप जहन में एक मेन कॉन्सेप्ट रख लें कि वो दो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो इन दोनों लेयर्स ने नहीं बनाई, वो एंडोडर्म नहीं बनानी है, ठीक है। मेन चीज़ जो बनाता है मेसोडर्म वो यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन उनके एपिथेलियल लाइनिंग अगेन एंडोडर्म नहीं कवर करनी है। एंडोडर्म का जो सबसे मेजर डेरिवेटिव्स है दैट इज प्रिमिटिव गट, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डेवलप होगा। सो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग, फिर गले से देखना शुरू करो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे थाइमस, थाइमस, टॉन्सल्स, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। और फिर कान की तरफ जो है वो एक ऑडिटरी ट्यूब है वो भी। तो ये हमारे पास एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। आप इनको याद मतलब लिख लें और फिर याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे जाके एंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक एलेंटॉइस बनता है शुरू शुरू में, ठीक है, वो भी इसके डेरिवेटिव्स में आता है। एंड अगेन हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग में मैं आपको बताऊंगी बच्चों, जब एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो रही होती है तो ये जो प्रिमिटिव गट बनती है ना, प्रिमिटिव गट की बात करें, ये कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, यूं करके ये प्रिमिटिव गट बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रिमिटिव गट बनती है, इस साइड पे हमारे पास होता है फोर गट, ठीक है, दरमियान में होता है मिड गट, यहाँ पे होता है हाइंड गट। हाइंड गट में होती है क्लॉइकल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बाद में रप्चर होती है, और हमारे पास दो ओपनिंग बनती है, यूरोजेनिटल ओपनिंग और एनल ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे बनती है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो हमारी ये ओरल कैविटी की ओपनिंग है, ठीक है। ये जो मिड गट है ये दरमियान में कम्युनिकेट करता है किसके साथ, नीचे पड़ी ऊपर एमनियोटिक कैविटी होती है, नीचे यॉर्क सैक, ठीक है, ये सॉरी यॉर्क सैक है, जो बाद में जो है वो इस तरह छोटी हो जाती है और ये इसको आके कवर करने लग जाती है। तो ये यॉर्क सैक के साथ कम्युनिकेट करती है मिड गट, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम बोलते हैं विटलाइन डक्ट, तो इसके डेरिवेटिव्स में आप विटलाइन डक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एलेंटॉइस और जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड क्लॉइकल मेम्ब्रेन है वो भी लिख सकते हैं।